दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू जीप कंपस। इंडिया में जब भी आप जीप का नाम लेते हैं आपको यही लगता है भाई कुछ प्रीमियम कार आपके सामने पेश की जाएगी, लेकिन आज मैं आपके सामने जीप कंपस का बेस वेरिएंट एक तरीके से पेश करूंगा। ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, इसका नाम है नाइट ईगल वेरिएंट। अब इस गाड़ी के डिज़ाइन को देख के आपको लगेगा कि भाई बेस वेरिएंट में इतना बढ़िया लुक आपको कौन दे सकता है, तो यहाँ पर जीप इंडिया ने पेश करी है आपके सामने ऑल न्यू जीप कंपस, जो कि BS6 फेस टू नॉर्म के हिसाब से बनाई गई है। नए नए चेंजेस क्या है वो देख लेंगे, लेकिन ये गाड़ी अपने साथ क्या देती है और इस गाड़ी की प्राइसिंग ना बेस मॉडल के मुकाबले 2.36 लाख रुपीज़ है। LED के ऑप्शन लाइट्स में मिल जाते हैं आपको, इंटीरियर थोड़ा सा अपडेटेड मिलेगा और गाड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार है वो आपको दिखाता हूँ। जस्ट अभी जीप के शोरूम पे अभी हम पहुँचे हुए थे तो ये गाड़ी हमारे सामने प्रकट हो गई। कलर ऑप्शन आपके सामने पेश कर रहा हूँ एग्जॉटिक रेड का, आगे हरियाली है, उसके पीछे जीप कंपस अपने सेकंड बेस के साथ पेश की गई है। ये इसका नाइट ईगल वेरिएंट है, कंपस की बैजिंग आप देखेंगे। अब देखिए सेकंड बेस मॉडल है, फिर भी देख रहे हैं पियानो का एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। कलर ऑप्शन आपको बताया एग्जॉटिक रेड का है। थोड़ा सा सेट पार्ट ये है कि कोई भी मेटेलिक जो एक ग्लिटर होता है ना वो मिस आउट है, तो थोड़ा सा जो एक प्रीमियम अपील हम जीप से चाहते थे वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक जो फिट ऑफ फिनिश है वो नोटिस करेंगे। गाड़ी में एक तरीके से 70% के आसपास का आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील मिल जाता है। साथ ही इसमें क्या कुछ मिल रहा है स्पेशली देखते हैं। इस गाड़ी में आपको कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डीजल के साथ मिलती है और वो डीजल सेम रहने वाला है जो आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। इवन अगर आप मेरिडियन में देखेंगे जो कि लगभग टॉप एंड आपको 48 लाख रुपीज़ में ऑन रोड कॉस्ट कर रही है, यहाँ पर इसका फ्यूल फिलर का सिस्टम मिलता है, डीजल मेंशन किया गया है। इसमें आपको एड ब्लू भी यूज़ करना है जो कि DEF का ही पार्ट रहने वाला है। ये इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे सेंटर लॉकिंग से, ये चीज़ काम करती है। मुझे आपको दिखाना है इसका फ्रंट का लुक, लेकिन भैया यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। 438 लीटर का आपको जीप कंपस अपने साथ बूट स्पेस दे देती है। बाकी पार्शियल सेल्फ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है। अंदर आप सारे इंटीरियर देख रहे हैं, ये बेस वेरिएंट से थोड़ा ऊपर की बात है तो ये चीज़ आपको मिलनी स्टार्ट होती है। बाकी जैसे मैंने कहा भी कि बेस वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट की कीमत 2.36 लाख रुपीज़ लगभग 2.5 लाख रुपये एक शोरूम ज़्यादा है और ऑन रोड आते आते 3.5 से लेकर 4 लाख रुपये की बातचीत यहाँ है। क्या कुछ देखिए, कुछ पियानो फिनिश यहाँ पर भी आती है, जो ये भी आप पियानो फिनिश देखेंगे, ये देखेंगे आपको कुछ मैट फिनिश मिलती है। उसी के साथ रूफ में देखेंगे तो ऑल पियानो फिनिश का इस्तेमाल किया गया या फिर एक शाइनी ग्लॉस मटेरियल है। और वहीं की फॉप की नजर डालेंगे तो कुछ प्रीमियम फिनिश इसमें भी मेंटेन की गई है, स्टील का यूज़ किया गया, लॉक अनलॉक के बेसिक फंक्शन है। अगर आप देखें ना टॉप एंड वेरिएंट में आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन मिलता है, तो वो ऑप्शन आपको नाइट ईगल वेरिएंट में नहीं रहेगा। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। जो आप पीछे कुछ टैंक देख रहे हैं ये DEF का टैंक रहने वाला है, जिसमें इसका जो एड ब्लू है वो स्टोर किया जाएगा। कुछ एग्जॉस्ट का सिस्टम आप देख रहे होंगे, नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, गाड़ी के व्हील बेस के हिसाब से बिल्कुल सही लगेगा। आप देख रहे हो अलॉयज को, ये भी थोड़े बहुत आपको पियानो फिनिश में मिलेंगे, कुछ क्लैडिंग के पार्ट आपको, थोड़ा सा मैट फिनिश, डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड, इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक पियानो फिनिश के साथ ORVM ऑफर किया गया है। अब हम आ चुके हैं आपकी जीप कंपास के फ्रंट के लुक में और यहाँ से बिल्कुल आप सरप्राइज होंगे कि कितना प्यारा फ्रंट का लुक इस सेकंड बेस मॉडल को भी जीप इंडिया ने ऑफर करा है। तो ये देखिए इसके फ्रंट के लुक को, जो लोग इसका बेस मॉडल लेना चाहते हैं उनके पास स्पोर्ट्स मॉडल का ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ आपको डीजल के साथ मैनुअल का ऑप्शन देगा। वहीं अगर आप नाइट ईगल सामने देख रहे हैं इसमें भी आपको सिर्फ डीजल में मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आपको लिमिटेड ऑप्शनल मिल जाता है जिसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिलेगा। टॉप मॉडल आपके सामने मॉडल एस है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसमें भी आपको मैनुअल और 9 स्पीड का ZF सोर्स टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। ये व्हाइट कलर का ऑप्शन है मॉडल एस, ये सारे टॉप मॉडल है। ये जो नाइट ईगल है ये अपने साथ LED के ऑप्शन आपको दे रहा है, दिखाता हूँ आपको। कुछ आप देख रहे हैं DRLs वो ऑफर किए गए, हल्का सा इंटेंसिटी इसकी मुझे कम लग रही है लेकिन दिए गए हैं। उसके साथ ये प्रॉपर आपको एक पियानो फिनिश और एक बढ़िया से लुक के साथ ऑफर की गई है, जीप की बढ़िया ब्रांडिंग और साथ में देखेंगे नीचे तो ये है इस गाड़ी के फ्रंट के लुक। अच्छी बात ये है कि इस मॉडल में आपको कोई भी अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कंपनी ने कुछ यहाँ पर कटआउट्स को रखा है, तो इन फ्यूचर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और बम्पर में कोई भी ड्रिलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखना चाहे तो इस गाड़ी की लंबाई, मैंने कहा ना इस गाड़ी का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है इंडिया में। इस सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, किया सेल्टोस आपके पास रहती है, टाटा हैरियर रहती है, लेकिन वो गाड़ियाँ क्वालिटी और एक प्रीमियम फिनिश में इस गाड़ी को कहीं भी मैच नहीं करती है। यही जीप इंडिया को भी पता है, इसीलिए उनने अपनी एक अलग ही लीग इसके साथ बनाई हुई है। इसका साइज़ बिल्कुल अलग आपको मिलेगा, 4405 mm का, कहीं ना कहीं कुछ नया है
थोड़ा क्रेटा से बड़ा, वहीं हैरियर से थोड़ा छोटा। इसकी अगर आप चौड़ाई देखें तो चौड़ाई सही है 1818 mm की, 1640 mm की इसकी आपको ऊंचाई, और 2636 mm की आपको इसमें व्हील बेस मिलती है। बाकी जिनको 4x4 का ऑप्शन भी लेना है तो उनके पास भी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉप एंड मॉडल और लग्जरी ऑप्शनल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ 4x2 का ऑप्शन मिलेगा। बाकी गाड़ी का वजन करीब 1500 kg के आसपास का रहता है। ये इसके आप पूरे डोर हैंडल देखेंगे, क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप देखेंगे, बिल्कुल टॉप नॉच जिसे कह सकते हैं ना, वो चीज़ आपके सामने रखी हुई है। बाकी इस साइड आप देखेंगे सारे के सारे आपको इंटीरियर्स और ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार रहने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप इसकी कुछ फ्लोटिंग डिस्प्ले, जिसका किस तरह की क्वालिटी है वो आप नोटिस करेंगे, और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग नोटिस करेंगे, जीप का लोगो, कुछ जो फिनिश है वो आप नोटिस करेंगे। बढ़िया सी चीज़ दी गई है, पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। कहानी यहाँ पर बदल रही है ना, कोई भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंफोटेनमेंट है तो उसके कंट्रोल मिलेंगे। जीप की बढ़िया ब्रांडिंग, और भैया यही फीएट और जीप का जाना पहचाना गियर लीवर, जो कि अच्छी क्वालिटी ब्रश्ड आउट मेटेलिक फिनिश के साथ और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, और 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको सारे के सारे लाइट्स के कंट्रोल, तो ये है आपके सामने जीप की कंपास की LED लाइट्स, देख सकते हैं आप किस प्रकार आपको मिलेगी। नीचे फॉग लैम्प का ऑप्शन भी है तो वो भी लाइट अप हो जाता है। तो RPM में आपको कुछ एडिशनल यहाँ पर एक और एरिया मिलेगा, जिसका जो कन्वर्जेंस है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा बड़ा एरिया ये कवर कर लेगा और थोड़ा बड़ा बड़ा एरिया ये कर लेता है, जिससे आपको अच्छा विजन इसमें मिल जाता है। बाकी साइड देखेंगे यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल ऑफर किया गया। इस साइड देखेंगे तो कुछ आपको अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल है इस साइड, और थोड़ा सा पावर विंडो के कंट्रोल, सारी के सारे पावर विंडो आपको वन टच डाउन ही फंक्शन और अप का भी फंक्शन दे रही है, तो ये भी फंक्शन श्योर है। यहाँ पर आपको कुछ साउंड सिस्टम, अल्पाइन का साउंड सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा डिट्यून होगा उसके मुकाबले। सीटिंग अगर बात करें तो लेदरेट का ऑप्शन यहाँ पर इतना है, या आपको फैब्रिक का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन ये दे देते हैं। ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर मेंशन किया गया है। डिस्टेंस थोड़ी सी कम लग सकती है, हल्की सी कॉम्पैक्ट लगेगी, थोड़ा खुला खुला और हो सकता था। क्लैडिंग का पार्ट आप नोटिस करेंगे, कुछ और क्लैडिंग यहाँ पर है। और बैठ के देखें तो क्या ये अपना फील आपको करवाती है, और क्वालिटी देख रहे हैं आप, बिल्कुल टॉप नॉच। सबसे खास बात, लेज़र वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी वेल्डिंग की सीम आपको नहीं दिखेगी, स्पॉट वेल्डिंग आप नोटिस नहीं करेंगे। और जो कटिंग की गई है पैनल्स की, प्लाज्मा वेल्डिंग से की जाती है, जो कि अपने में एक ड्यूरेबल है, ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए कंपनियाँ भी थोड़ा सा महंगा चार्ज आपको यहाँ पर कर देती है। अब उसी के साथ यहाँ पर ना पूरा रूफ़ में आपको ब्लैक फैब्रिक मिलेगा, जिसकी क्वालिटी सही है, कोई कमी नहीं है। और टॉप मॉडल लीजिए, बेस मॉडल, ये लाइट्स आपको हैलोजन भी मिलती है। IRVM आपको डे नाइट फंक्शन दोनों दे देता है। साथ में यहाँ पर आपको ये स्टेयरिंग, मैंने आपको बताया कुछ फंक्शन, यहाँ पर आपको टिल टेलीस्कोपिक दोनों दिएगा भैया। यहाँ पर देख रहे हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन दिया गया है, लाइट हमने अभी ऑफ करी है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सारा क्लस्टर जो कि डिजिटल है। बाकी जो यहाँ पर जीप इंडिया ने अपने डैशबोर्ड में मटेरियल इस्तेमाल कराया, फोमिंग का इस्तेमाल किया गया, बेसिकली सॉफ्ट टच फोम है ये। इसमें क्या कहानी है कि इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो भी इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एक तरीके से हटा लिया गया है, जिससे गाड़ी जब भी धूप में खड़ी होगी तो स्मेल नहीं करेगी, कोई भी कैबिन के अंदर ऐसा हार्मफुल पॉल्यूटेंट नहीं छोड़ेगी जिससे आपकी हेल्थ को हार्म हो। इन केस अगर फायर होती है, कोई भी फायर हजार्ड होता है, तो ये आग भी नहीं पकड़ेगा, फायर प्रूफ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो एक अच्छा मटेरियल है नॉर्मल फोम और लेदरेट के मुकाबले। स्टेयरिंग आपको डी कट नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, और थोड़ा सा लेदरेट भी मिस आउट कर रहा है, लेकिन ईजिली लगा सकते हैं आप इसमें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा पियानो फिनिश देखेंगे और अच्छी लग रही है। बाकी इस प्रकार आप इसका पूरा क्लस्टर देख रहे हैं, जिसमें आपको टैकोमीटर यहाँ दिया गया है, डीजल इंजन के साथ आता है ये वाला मॉडल, केवल 240 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड, जो मैक्सिमम है इसकी 190 से लेके 195 के आसपास है। बाकी इस साइड देखेंगे आपको फ्यूल लेवल दिखाएगा, इस साइड आपको टेम्परेचर और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। साथ में आप देखेंगे ना, ये गाड़ी अपने साथ TPMS का फंक्शन भी दे रही है, और कुछ टेम्परेचर और ये वोल्टेज DPF का भी सिस्टम दिखाया गया है, इसमें कितना लेवल है वो शो कर रही है। बाकी यही है, और इस साइड देखेंगे तो ये यहाँ पर है, माइलेज भी ये शो करती है। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने चीज़, बाकी ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अंदर का पूरा विजिबिलिटी फ्रंट देखेंगे इस प्रकार दिखेगा, आगे का आप पूरा का पूरा जो बॉनेट एरिया है वो देखेंगे, थोड़ा सा वाइपर आप देख रहे हैं हल्का सा ऊपर की ओर आया, तो काफ़ी लोग उसको नोटिस कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है ये थोड़ा स्पेशल है कि आपको यहाँ पर 10 इंचेस के आसपास की स्क्रीन, जो कि थोड़ा सा फ्लोटिंग लेआउट के साथ पेश की गई है। इसकी खास बात है कि यहाँ पर आप जो पूरा बेजल देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है। फंक्शन इसमें लगभग सिमिलर रहेंगे, टॉम टॉम का भी सिस्टम इसमें है, और काम के फंक्शन है इसमें, बैकअप कैमरा पीछे का आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग को अगर आप करेंगे गाइडेड है तो ये ऑप्शन आपके सामने है। क्वालिटी सही लगेगी आपको, निराश आप नहीं होंगे, और थोड़ा सा ऐसा है कि इस सेगमेंट में होना भी चाहिए, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग है ना, कहीं
अगर आप देखें टाटा हैरियर का टॉप मॉडल, उसके आसपास ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है। तो अगर आप हैरियर टॉप मॉडल ना लेके एक गाड़ी का सेकंड बेस मॉडल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट जो फीचर आपके आसपास मिलने चाहिए वो कंप्लीट ही होने चाहिए। बाकी कंपटीशन में तो हेक्टर भी आ जाती है, उसके तो फिर फीचर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर डमी बटन दिया गया, एक आपको हजार्ड को ऑन करने का ऑप्शन है। फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर के लिए माउंट दिया गया था उसमें आप बाद में लगा सकते हैं और ऑन ऑफ यहाँ से कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग को अगर आप ऑफ करते हैं तो इंडिकेशन आ जाएगा, ऑन करेंगे तो ये रहा है। बाकी ये सारे एसी के आप यहाँ पर जो वेन है उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। ऑटोमेटिक एसी गाड़ी अपने साथ ऑफर करती है, जो कि ये कंट्रोल दिए जाते हैं। वॉल्यूम के सारे कंट्रोल यहाँ रखे गए हैं। ऑटो है यहाँ पर, आपको कुछ और फंक्शन है, स्क्रीन को ऑफ करने का फंक्शन यहाँ से है, टाइप सी और उसके साथ यूएसबी ए का ऑप्शन। नीचे देखेंगे इतना स्पेस, कोई भी वायरलेस चार्जर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक्सेसरी में सब कुछ लगाया जा सकता है, इतनी ये आपको यहाँ है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है भाई साहब आपको, आपको ये चीज़ मैं दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में। 6 स्पीड का आपको यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया फिनिश है, लेकिन थोड़े से स्क्रैचेज आएंगे इन फ्यूचर, तो वह बाद में पॉलिश भी करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको 4x4 ऑप्शन में अगर ये गाड़ी रहती है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सारे बटन इसमें मिल जाते होल्ड और ये चीज़ों का, और ये चीज़ स्पेस के साथ आपको स्लाइडेबल फंक्शन देगी। बाकी गाड़ी का हेडरूम शोल्डरूम देखा जाए तो इस प्रकार दिख जाता है, और साथ ही यहाँ पर अगर आप स्पेस भी देखें तो स्पेस के मामले में गाड़ी ओके आपको लगेगी, जिसमें आपको हेडरेस्ट काफ़ी अच्छा साइज का दिया गया। साइड में जो बकल अप दिए गए ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, नीचे फैब्रिक है तो ये भी ठीक है, लेकिन जो नीचे का जो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है हल्की सी और खुली खुली रहती, क्योंकि जो अपने जीप के कस्टमर है ना थोड़े से हेल्थी रहते हैं, थोड़े से मस्कुलर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा साइड में स्पेस मिल जाए तो और ज़्यादा उनके मूवमेंट के लिए ईजी रहेगा और थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करेंगे। बाकी जीप की बढ़िया सी ब्रांडिंग, उसी के साथ यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए भारी भरकम बूट दिया गया, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी का होंगे ना सारे के सारे जो क्रम्पल जोन्स हैं आप देखेंगे, हुड इंसुलेटर है यहाँ पर, आपको जीप का जाना पहचाना टर्बो डीजल इंजन जो कि टाटा MG बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती है। ये इसका कूलेंट का पार्ट है, टर्बो चार्जर यहाँ देखेंगे, इस साइड देखेंगे सारा एयर फिल्टर, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सारा डीजल का फिल्टर रहता है, क्लैडिंग का पार्ट प्रॉपर वही है, कोई भी मिस आउट यहाँ पर बड़ा नहीं किया गया, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट रहता है। तो ये कुछ आपने देख लिया इसके इंजन को। माइलेज की बात करें तो 11 से लेके 13 KMPL का माइलेज ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है, लेकिन 17.3 KMPL माइलेज आपको एयर सर्टिफाइड है 4x4 वालों के लिए, 15.3 KMPL है, और जो लोग पेट्रोल लेंगे होने को इसमें मिलता नहीं है 13.8 KMPL है। बाकी कंपास की स्टार्टिंग से USP रही है कि फ्यूल इकोनॉमी के अलावा इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा मेन ध्यान दिया जाता है, जो कि बाकी कंपनियां थोड़ा मिस आउट करती है। उसी के साथ ये चीज़ सॉफ्ट टच के साथ है, या आप इस साइड एक बार इसको देख लीजिए क्या रहता है, और हेडरूम शोल्डरूम में ठीक है गाड़ी, इस साइड ये आपको सिर्फ रिक्लाइन का फंक्शन देता है, और यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स है वो आपको सॉफ्ट रिलीज के साथ है, कोई लाइट्स का ऑप्शन नहीं है, स्पेस भी ठीक है, मैनेजेबल है। अब आपको चलना है इसके सेकंड रो सीट्स में, तो यहाँ से इसके सेकंड रो सीट्स खुलेगी, एक छोटा सा आपको यहाँ पर क्वार्टर पैनल ग्लास देखने को मिलता है, और ये इसकी पूरी साइड की जो लाइन है वो आप देखेंगे, और इस साइड डोर का वेट काफ़ी अच्छा है। अपर्चर फ्रंट में देखेंगे तो इतनी ये गाड़ी खुल जाती है, और यहाँ पर आपके सामने फिर से हम हरियाली के पीछे से देख लेते हैं आपकी कंपास को, ये क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे। एडिशनली यहाँ पर एक एडिशनल रबर बीडिंग लगाती है जीप, जिससे थोड़ा सा बारिश से कीचड़ अंदर ना जाए अगर ये मेन सील भी फेल हो जाए। इस साइड देखेंगे वही जानी पहचानी सीटिंग, क्योंकि कंपास के टॉप मॉडल में भी सिमिलर है, बस जो फैब्रिक है वो यहाँ पर आ चुका है, ये लगभग वही है, लेकिन इसमें परफोरेशन का ऑप्शन नहीं है। इस साइड देखेंगे बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, और 3 पॉइंट का सीट बेल्ट भी यहाँ पर एक फीचर के तौर पे आ जाए तो बहुत सही चीज़ है। USB का भी ऑप्शन दिया है। फ्रंट का डैशबोर्ड देखिए कितना बढ़िया तरीके से जगमगाया हुआ है, तो यही सब चीज़ें चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रैब हैंडल, जो काफ़ी कंपनियाँ मिस आउट करती है ड्राइवर साइड, वो यहाँ पर दिया गया है। इस साइड तो मिलेगा ही, इस साइड आपको लाइट्स के साथ मिलेगा और फ्रंट में भी रहने वाला है। बाकी यहाँ पर मेरा आप हेडरूम शोल्डरूम देखें तो इस प्रकार आपको मेरा हेडरूम शोल्डरूम रहेगा। बाकी स्पेस की कमी नहीं है गाड़ी में, 3 लोग आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा और खुल के बैठना है तो ऑप्शन है मार्केट में, लेकिन एक डायनेमिकली स्टेबल गाड़ी चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट एक वजन अपने साथ ढो रहे हैं, थोड़ा सा चलने वाली गाड़ी, भागने वाली गाड़ी, बैटर कंट्रोल वाली गाड़ी, जिस हिसाब से इसमें डायनेमिक टॉर्क असिस्ट मिल जाता है इसके स्टीयरिंग में, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है ना जो बाकी कंपनियों के ब्रोशर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और वो काम सब जीप इंडिया करती है। होने को टाटा ने भी अब बहुत अच्छा पहल किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और जो एक्टिव सेफ्टी फीचर है उनमें काम कर रही है। ESP का बहुत बड़ा एक पैकेज आता है उनका, 17 फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर, ABS की बहुत बड़ी लिस्ट है, वैसे ही जीप भी अपना फॉलो अप लेती रहती है, लेकिन फिर भी जो प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है। बात आ गई है प्राइस में, समझाता हूँ आपको क्या प्राइस है इसकी। तो फाइनली देखिए यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ ऑल न्यू जीप कंपास, जो कि OBD2 कंप्लाइंट है, उसकी प्राइसिंग रख रहा हूँ यहाँ पर। सिर्फ मैं आपके सामने डीजल की प्राइसिंग ही रख पाऊँगा। डीजल में आपके पास अच्छे ऑप्शन है, बेस मॉडल में तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है बेस से, और जहाँ पर बेस मॉडल है इसका स्पोर्ट मॉडल, एक्स शोरूम कीमत है 21.44 लाख रुपीज़,
और ऑन रोड इस गाड़ी की कीमत है 26 लाख रुपीज़। और वहीं अगर जिसकी बात आज हम कर रहे हैं नाइट ईगल वेरियंट जो कि सिर्फ डीजल में मैनुअल देती है 23.80 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम और ऑन रोड ये गाड़ी 29 लाख रुपीज़ 29 लाख रुपये में गाड़ी आपको ऑफर की गई है। बात होने वाली है जो लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट है केवल मैनुअल 25.64 लाख रुपीज़ और ऑन रोड 31 लाख रुपीज़। मॉडल एस मैनुअल सामने है आपके, ये आपको कॉस्ट करने वाला है 34 लाख रुपीज़। और जो लोग ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं उनके पास ये सारे ऑप्शंस है ही। और ये कुछ देखिए आपने ऑल न्यू जीप कंपास, बात करी हमने इसकी नाइट ईगल वेरिएंट की, नाम देख के लग रहा था कि ये बहुत ही महंगा वेरिएंट होगा और जो कि रियल लाइफ में है भी, लेकिन ये फिर भी इसका सेकंड बेस मॉडल है। ऑन रोड इस मॉडल की कीमत आई 29 लाख रुपये, अगर आप थोड़ा ऑफर भी ले लेंगे फिर भी 28 लाख रुपीज़, जहाँ पर आपको सफारी का टॉप एंड वेरिएंट भी दिखने में मिल जाता है। ये गाड़ी 29 लाख 28 लाख के रेंज में क्या वैल्यू आपको देती है, आपने वीडियो में देखा, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी। बाकी इन सब गाड़ियों को हम रियल लाइफ में टेस्ट भी करेंगे, इनकी जो रियल प्रैक्टिकलिटी है वो आपके सामने पेश करेंगे। आज का उद्देश्य था इसकी प्राइसिंग समझना, जो कि 29 लाख रुपये ऑन रोड और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रीमियम अपर प्रीमियम में जाने की तैयारी ये गाड़ी कर रही है। आप मुझे बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। यहाँ पर आपके सामने मेरिडियन है जो कि नई नई लॉन्च हुई थी, यहाँ पर आपके सामने इनका मॉडल एस है, वहाँ पर भी मॉडल एस, वहाँ पर भी आप देखेंगे इनका जो नई वाली मेरिडियन है वो आपके सामने है। ये रही आपकी जीप कंपास नाइट ईगल वेरिएंट, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर बताइएगा गाड़ी कैसी लगी और कमेंट करके बताइए कितना नंबर देना चाहेंगे आप इस गाड़ी को, रैंक करिएगा, 10 नंबर दीजिएगा बहुत बढ़िया लगी। अगर आपने इस गाड़ी को चलाया हुआ है, एक्सपीरियंस करा हुआ है, सबसे स्पेशली अगर आपने इसको पहाड़ों में चलाया हुआ है या फिर घाट्स में चलाया हुआ है तो वहाँ पर एक ऐसा परफॉर्म करती है, हाईवे में तो गाड़ी हर कोई भाग ही लेती है। उसी के साथ इस गाड़ी के अलावा आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे इसी प्राइस में, क्योंकि ये प्राइस ना बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है, कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी नहीं है कि इसी टारगेट कर रही हो, इसी वजह से जीप भी शायद इसकी प्राइसिंग ना काम कर रही हो ताकि जो थोड़े प्रीमियम कस्टमर जो सफारी है ये नहीं लेना चाहते वो इसमें आ जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं ऐसे और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।